हूँ नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया में। जी हाँ, जहाँ हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को 27 अक्टूबर को वैशाली हाजीपुर में भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ऊपर जिस तरीके से पथराव किया गया था, और उसके बाद जैसे जैसे ये मामला जिस एंगल की तरफ मोड़ ले रहा है, हम उस पर ताज़ा अपडेट आप लोगों के बीच लेकर हमेशा आते रहे हैं। तो आज एक बार फिर से कुछ इस खबर के साथ जुड़ी नई अपडेट आई है, जिसमें हमारे साथ आप सभी लोगों को जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स के हेड अभिलाष सर और हमारे नेक्स्ट नाइन टेक के हेड काशिफ सर, और ये दोनों ही हमारे इस अपडेट पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं और हर एंगल से, हर तरफ से जो भी खबरें आ रही हैं वो हम आप सभी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और एक ताज़ा मामला भी फिर से आया है जो सीधा खेसारी लाल यादव को स्टार के साथ साथ अब राजनीति में भी उन्हें घसीट रहा है। और सबसे पहला सवाल मेरा अभिलाष जी से है। अभिलाष सर, सबसे पहला सवाल कि अभी खबर आई है ऐसी कि महाराजगंज से, जो कि खेसारी लाल यादव ने कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब वहां पर सुधीर सिंह भी नहीं बल्कि वो प्रभुनाथ सिंह जो कि वहां पे पूर्व नेता रहे हैं, वो अपने बेटे को इलेक्शन लड़ा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये सारा चुनावी एक रंजिश रचा जा रहा है इसमें, और दोनों की तरफ से पब्लिक स्टंट कर रहे हैं इस तरीके का? देखिए, पब्लिक स्टंट तो नहीं होता है प्रियंका जी, इस तरह की चीजें मुझे नहीं लगता कि पब्लिक स्टंट के लिए की जाती हैं। खैर, राजनीति में ज्यादा बेहतर भाईजान बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि खेसारी पर जो अटैक हुआ है, जिसकी हमें निंदा करनी चाहिए, चाहे वो सुधीर सिंह हो, खैर प्रभुनाथ सिंह तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, खैर उनकी बात अलग है, लेकिन बड़ी बात जो ये है कि सुधीर सिंह ने जो भी पोस्ट डाला था सोशल मीडिया पर, वो एक नेता को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। और जिस तरह से उन्होंने लिखा कि भाई जात पात को लेकर उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं, तो बेहद ही शर्मनाक है। और जिस तरह से लोगों का सुपरस्टार कहा जाता है सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को, काफ़ी कड़ी मेहनत करके सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जो हैं आज इस तबके के लायक बने हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ही अश्लील गाने गाए हैं, ये हम कई बार प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं, बॉलीवुड में भी इस तरह के गाने आते हैं और इसके कई नमूने भी हमने देखे हैं, कई तरह के गाने हैं जो लोग पसंद करते हैं। और अगर ऐसा है तो लोकगीतों में भी कई तरह की फुहड़ता वाली लाइनें हैं, लेकिन हम उन पर सवाल तो नहीं उठाते हैं, हम अमूमन जो है हम मजाकिया तौर पर उसे लेते हैं, तो क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? एंटरटेन करना। और अगर ये स्टार्स, इनको अगर लोग नहीं देखेंगे, लोग पसंद नहीं करेंगे, तो ये स्टार्स लाइक बनेंगे भी नहीं। आज अगर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव वहाँ गए थे, जवानों की शहादत को सलाम करने गए थे, ऐसे में अगर आपको सवाल उठाना था, विरोध करना था, आप सोशल मीडिया पर दूसरे तरीके से करते। ये जात पात जैसी चीज़ें आप लेकर आते हैं, उसके बाद इस तरह के सवाल उठाते हैं, ये बड़ी शर्मनाक चीज़ है। और मुझे लगता है कि उन पर जो हमला हुआ, ये सबसे ज़्यादा निंदा का विषय है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और काशिफ साहब, जब राजनीति की ओर हम रुक कर ही चुके हैं और ये खबर भी लगभग राजनीति की तरफ ही इशारा कर रही है, तो एक सवाल आपसे मेरा ये उठता है कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव को लेकर खुद खेसारी भी पहले ऐलान किया था उन्होंने कि वो चुनाव लड़ेंगे, बट उन्होंने अभी वीडियो आपने देखा है ये कि उन्होंने साफ मना कर दिया। क्या आपको लगता है कि खेसारी सिर्फ इलेक्शन में खुद को जीत दिलाने के लिए और खुद को आगे लाने के लिए ये सारा पब्लिक स्टंट कर रहे हैं, और लोगों की सबसे बड़ी बात कि लोगों को वो इमोशनल करके ये दिखाना चाहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ? आपको लगता है इस वीडियो के जरिए और जिस तरीके से उन पर हमला हुआ उसके जरिए कि ये वाकई में सारा राजनीति साजिश रची जा रही है एक तरीके से? देखिए प्रियंका जी, मैं अभिलाष जी भाई की एक बात से बिल्कुल तरह सहमत हूँ कि ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं होता है, खास करके राजनीति में इस तरीके की चीज़ें। मुझे लगता है कि आप ये सारी चीज़ें, अगर मान लीजिए 1% हम मान लेते हैं कि अगर खेसारी लाल यादव ने राजनीति को लेकर कोई इस तरीके का काम किया, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई भी उन्हें राजनीतिक फ़ायदा मिलने वाला है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके की वहाँ पर माहौल तैयार किया जा रहा है कि भाई खेसारी लाल यादव जो है वो राजनीति में आने की वजह से ऐसा कर रहा है, मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव को ये सब करके अपनी पहचान बनाने की जरूरत नहीं। तो फिर वो वीडियो में बार बार यादव राजपूत मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये क्या मतलब क्या वो मैं वही क्वेश्चन नहीं मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ प्रियंका जी। देखिए, जब कोई आदमी के ऊपर कोई तकलीफ होती है, कोई दर्द होता है, तो सबसे पहले वो अपनों को जाग करता है, और मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही किया कि जब, जाहिर सी बात है कि जब कोई एक बड़ा सुपरस्टार, इस बात से मेरे अभिलाष भाई भी बिल्कुल सहमत होंगे अभिलाष भाई, कि जब कोई एक बड़ा सुपरस्टार पे हमला हो जाता है, फिर वो अकेला पड़ जाता है, उसके कलाकार साथ नहीं आते हैं, कोई नहीं आता है, तो फिर इंसान किसकी तरफ देखेगा?
सबसे पहले अपनों को याद करेगा। और मुझे लगता है उन्होंने जात की और इसकी जो बात की वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है उन्होंने सबसे पहले अपने लोगों को याद किया, उन्होंने अपने लोगों को कहा कि देखिए मेरे ऊपर हमला हुआ है और देखें आप लोग। तो मुझे लगता है कि इस पे खेसारी लाल यादव को अपना नाम ऐसे चमकाने की ज़रूरत नहीं है कि वो हमला हो जाए उनके ऊपर तो उनका नाम होगा। खेसारी लाल यादव बिहार की शान थे, हैं और रहेंगे, ये बात सब जानते हैं। एक बात बताइए मुझे प्रियंका जी, ठीक है जात पात खेसारी को लेकर बड़े सवाल किए जा रहे हैं, बिल्कुल मैं मुझे बड़ी ये शर्म की बात लगती है पहली बात तो, क्योंकि सुधीर सिंह को लेकर किसी ने ये नहीं उठाया सवाल कि आपने क्यों जात पात के नाम पर इस तरह की सोशल मीडिया पर भड़काई। आप मुझे एक बात बताइए, खेसारी लाल यादव जब स्टेज शो करने जाते हैं या फिल्में करते हैं तो क्या वो ये कहते हैं कि ये फिल्में सिर्फ यादवों के लिए बनी हैं या ये फिल्में सिर्फ राजपूतों के लिए बनी हैं? और दूसरी बात ये है कि जैसा भाईजान ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई 35 करोड़ दर्शक हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पास, 35 करोड़ लोग इन सुपरस्टार्स को देखते हैं, इन सुपरस्टार्स की फिल्मों को लाइक करते हैं, अब तो औरतें भी जाती हैं खेसारी की फिल्में देखने, डमरू देखने गई, संघर्ष देखने गई, तो ऐसी फिल्में जब बनती हैं लोग जुड़ते हैं, उसके बाद सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। पब्लिसिटी की जरूरत उसको होती है जो एक छोटा स्टार होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिनका समय खत्म हो जाता है, लेकिन जिनका समय चल रहा है, जिनकी फिल्में रिलीज होते ही बम्पर हिट हो जाती हैं, ऐसे में इन स्टार्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है, पब्लिसिटी स्टंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें पब्लिसिटी स्टंट करना होता तो वो शो के आखिरी दिन मना करते थे। ये बात तो हम सभी जानते हैं, हमने कई बार खबरें भी की है कि जब कोई सुपरस्टार किसी कारणवश नहीं पहुंच पाता है कहीं स्टेज शो में तो वैसी तोड़फोड़ और कुर्सियां तोड़ना लोग शुरू कर देते हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर पब्लिसिटी स्टंट की बात नहीं है। रही बात राजनीति की, तो अगर सुधीर सिंह इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, इस तरह की घिनौनी राजनीति करना चाहते हैं तो ये बेहद शर्मनाक है, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है चाहे वो कितनी भी सफाई दे दें, यहाँ पर उनके लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि सिर्फ राजपूतों के नाम पर और जात पात के नाम पर अगर आप वोट लेंगे तो फिर शायद आप आगे अपने विकास के बारे में नहीं सोचेंगे। बिल्कुल, एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें कि जिस तरीके से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस हमले के बाद खेसारी लाल यादव को क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन सुधीर सिंह को कोई नहीं जानता था, अब उनको सब जानने लगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर साफ तौर पे अगर हम देखें कि खेसारी लाल यादव और सुधीर सिंह खड़े हैं तो सुधीर सिंह की पूरी राजनीति इसमें चमकती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, काशिफ जी ने बहुत बड़ी बात कह डाली है, और एक बात बिल्कुल पकड़ की है कि खेसारी लाल यादव एक स्टार के तौर पर पूरे बिहार पूर्वांचल में क्या देश विदेश में भी जाने जाते हैं, उनकी फिल्में लगती हैं, उनकी फिल्में लोग देखते हैं, और सिर्फ देखा जाए तो इस मोमेंट में इस जितना कुछ भी हंगामा हुआ उसमें सिर्फ सुधीर सिंह का फायदा दिखा है, क्योंकि वो एक अनदेखे चेहरे थे, अनपहचाने चेहरे थे, और वो आज लोग उन्हें सब जानने लगे खेसारी लाल यादव को लेकर। सर, अगला सवाल मेरा ये आता है कि कल बिहार बंद का ऐलान हुआ कई जगह पर, सासाराम कह लीजिए, छपरा कह लीजिए, वैशाली कह लीजिए, हर जगह पर तोड़फोड़ हुई है, लोग जो उनके फैन थे वो सड़कों पे आए, उन्होंने 3 डिमांड रखी। पहले डिमांड थी सुधीर सिंह की गिरफ्तारी, दूसरी डिमांड उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि बिहार में सेंसर बोर्ड, भोजपुरी को लेकर सेंसर बोर्ड का गठन किया जा सके। अभी भी प्रशासन की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है, इसमें क्या दर्शाता है, क्या प्रशासन कह मतलब क्या फील क्या करवाना चाहते हैं कि इंडस्ट्री को उनको कोई परवाह नहीं है या इतने बड़े सुपरस्टार की कोई परवाह नहीं है उन्हें? देखिए, अब प्रशासन पर जब बात आती है तो कई तरह की चीज़ें सामने होती हैं एक्शन लेने के लिए भी, ऐसा नहीं है कि लोग विरोध प्रदर्शन कर देंगे और लोगों के कहने पर जो है तुरंत सुधीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी भी देखिए, कभी भी पुलिस काम करती है या प्रशासन काम करता है तो पुख्ता सबूतों के बिना पर करता है, और रही बात अगर अभी तक एक्शन नहीं हुआ है तो हमने ये देखा है कि जब गुजरात में इतना बड़ा मसला हो गया तब किसी ने कुछ नहीं किया, तो ये सब मसले तो उनके सामने बहुत छोटे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ये पूरा मामला जो सामने आया है, जिस तरह से इस पूरे मामले को घसीटा गया है, वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है लोगों की भी गलती है कि भाई आप इस तरह से विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका भी होता है, कल हमने प्रोग्राम भी किया था भाईजान के साथ, तो एक आलोचना करना, विरोध करने का एक तरीका होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़कों पर उतर जाएं, क्योंकि जो काम सुधीर सिंह ने किया अगर वो काम हम भी करेंगे तो शायद हमें और उनमें कोई फर्क नहीं होगा, फिर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का लोगों को बताने का या लोगों के साथ जुड़ने का फिर मतलब नहीं। तो आप मेरा सवाल ये है कि अगर जो इस चीज पर इतना लोग हंगामा कर रहे हैं या फिर स्टार को लेकर ये मुद्दा इतना बड़ा रूप ले चुका है तो इस पर प्रशासन क्यों नहीं आगे आ रही? प्रशासन अपनी तरफ, कोई भी राज्य सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है, ना ही महाराजगंज के किसी नेता की तरफ से, ना ही बिहार सरकार की किसी नेता की तरफ से,
कोई भी बयान सामने नहीं आया है, खासकर ना ही खेसारी लाल यादव को लेकर ना ही सुधीर सिंह को। तो ये मौन क्या दर्शाता है? क्या क्या लोगों के लोग जिस तरीके से खेसारी को लेकर, एक तरीके से हम उनकी दीवानगी कहेंगे कि लोगों क्या सर चढ़ के बोल रहा है, इतने लोगों इतना लोग खेसारी लाल यादव के साथ है कि वो सड़कों पर उतारा है, रात भर उन्होंने प्रदर्शन किया है खेसारी लाल यादव को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, फिर भी सरकार चुप्पी साध रखी है, क्या दर्शाती है? भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर वो चिंतित नहीं है? देखिए प्रियंका जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर राज्य सरकार की सिर्फ एक खेसारी लाल यादव नहीं बल्कि एक एक नागरिक के लिए जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। खासकर कि आपकी जिम्मेदारी तब बन जाती है जब आप एक सुपरस्टार हैं और सुपरस्टार के ऊपर इस तरीके का हमला होता है, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी नैतिक जिम्मेदारी शासन की है, प्रशासन की है। उसको सामने आना चाहिए, उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ हमसे भूल हुई है, हमसे चूक हुई है। अगर मान लीजिए उस रात को अगर कोई अनहोनी हो जाती, अगर वाकई में हमलावर जो है वो खेसारी के करीब पहुँच जाते या कोई भी ऐसी धारदार उनके पास चीज होती, तो क्या खेसारी लाल यादव जैसा सुपर स्टार के ऊपर ये कहीं ना कहीं एक बड़ी अनहोनी नहीं हो सकती थी? कुछ नहीं हो सकता था उस रात में। तो फिर उसके बाद का मंजर क्या होता बिहार में? तो वो चीज अगर एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी भूल को शासन प्रशासन आज मौन किए हुए है, खामोशी चुप्पी साधे हुए है, तो मुझे लगता है यूं कहने की इंतजार कर रही है कि मौका ये चीजें बड़ी हो जाए, ये चीजें और भी कोई बड़ा रूप लेगी, कोई भयानक रूप लेगी, तब प्रशासन आगे खुल के आएगा, तब अपनी वो पश्चाताप जताएंगे कि हाँ। सही कह रहे हैं आप प्रियंका जी, वो इस वक्त मुझे लगता है कि दूर से खड़े होकर तमाशा देख रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो या लोकल प्रशासन हो। आप एक बात बताइए, खेसारी लाल यादव आज इतनी मूवीज वहां करते हैं, इतने बड़े सुपर स्टार हैं, क्या वो वहाँ टैक्स पे नहीं करते हैं? बिल्कुल करते क्या हैं। वहाँ के जब वहाँ की कमाई का फायदा राज्य सरकार नहीं उठाती है? क्या राजस्व जो पैदा होता है, जो लोग मूवीज देखने जाते हैं खेसारी लाल यादव के जरिए इतनी कमाई होती है राज्य को, क्या सरकार उसको नजरअंदाज कर रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरी बात, मनोज तिवारी का कोई कमेंट नहीं आया, वैसे बड़ा बताते मेरे छोटे भाई है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को मैं आगे लेकर जाऊंगा, आपके इंडस्ट्री के सुपरस्टार पर हमला होता है, भाई सरकार आपकी है, आप अपनी तरफ से ये बयान तो देते कि भाई ये बड़ा निंदा का विषय है, प्रशासन को जो है इस पर एक्शन लेना चाहिए। प्रशासन तो खैर सो ही रहा है, साथ में मनोज तिवारी, आप या तो फिर आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से इतना कट चुके हैं कि आपको कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है कि ठीक है भाई जो हो रहा है। असल में अभिलाष जी, सत्ता की जो मलाई होती है वो उसके अंदर एक अलग तरीके की हम कह सकते हैं कि ताजगी होती है, उसके अंदर एक अलग तरीके की हम कह सकते हैं चीज होती है। अब भाई वो मनोज तिवारी सोचते हैं कि भाई मैं तो अब जो केंद्र में सत्ता है, मैं मोदी सरकार में हूँ, मैं तो एक दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अब मुझे बिहार से मतलब नहीं है, या बिहार की किसी सुपरस्टार से मतलब नहीं है, या भोजपुरी इंडस्ट्री से मतलब नहीं है। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चूक कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती कि वो खुद हमले के बाद फौरन खेसारी लाल यादव के पास जाते, उनको मिलते, उनको सहानुभूति देते और ये निश्चित कराते कि आइंदा में भोजपुरी स्टार पर किसी पर इस तरीके का हमला नहीं होगा। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री और दिल्ली में बैठ के मनोज तिवारी दूर से तमाशा देख रहे हैं, तो मुझे लगता है तमाशा उन पे आने वाले जनता जवाब देगी और ये तमाशा कहीं ना कहीं जो दूर से देख रहे हैं उसका नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बात देखा जाए तो घूम फिर के प्रशासन पे ही आता है। जो सुधीर सिंह ने किया है वो अपनी जगह निंदाजनक है, जो खेसारी लाल यादव पे बीती है वो सबको सब किसी को पता है, और इस पर घूम फिर के बातें हर बार ओवरऑल देखा जाए तो प्रशासन पे आती है कि अभी तक प्रशासन इतना कुछ हो जाने के बाद आगे क्यों नहीं आ रहा है। और इस पर आप क्या विचार रखते हैं, इस पर इस पूरे विवाद पर आपका क्या कहना है, वो फटाफट हमारे प्रोग्राम पे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजपुरिया को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। स्टार्ट योर करियर विद अस।